गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। चलिए, इस वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास फोर के लिए, जिस चैप्टर का नाम है लेंथ एंड पैरामीटर्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर के लिए नया चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर है ये, लेंथ एंड पैरामीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंथ एंड पैरामीटर क्लास फोर के लिए। ये वीडियो है लेसन फोर, जिसका नाम है लेंथ एंड पैरामीटर। लंबाई और परिमाप के बारे में समझेंगे। देखिए, पैरामीटर के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे पैरामीटर को। इसके पहले हम कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है ये पैरामीटर होता क्या है। देखिए, पैरामीटर जो है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैरी प्लस मेट्रॉन। ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है पैरामीटर। पेरी और मेट्रॉन से मिलकर बना, पेरी का अर्थ होता है अराउंड और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर, यानी चारों तरफ के मेजरमेंट करना, ठीक है ना। पैरामीटर कहलाता है, यानी किसी भी चीज का पैरामीटर निकालना हो तो उसके चारों तरफ को मेजर कर लेना ही पैरामीटर कहलाता है। यानी ग्रीक वर्ड पेरी और मेट्रॉन से मिलकर बना है। पेरी का अर्थ होता है अराउंड, मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर। यानी इसका अगर हम सही मायने में पैरामीटर का डिफिनिशन निकालें तो इसका डिफिनिशन क्या होगा? इसका डिफिनिशन ये होगा, पैरामीटर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑल द साइड ऑफ ए क्लोज प्लेन फिगर, ठीक है ना। पैरामीटर का डिफिनिशन क्या होगा? पैरामीटर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑल द साइड ऑफ ए क्लोज प्लेन फिगर। क्लोज प्लेन फिगर का टोटल डिस्टेंस को एक साथ ऐड कर देंगे तो वो क्लोज प्लेन फिगर का पैरामीटर निकल जाएगा, या वहां से क्लोज प्लेन फिगर का पैरामीटर निकल जाएगा। तो ये हुआ आपका पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल sides of a closed plane figure. Closed plane figure का सभी साइड के एक साथ ऐड कर देंगे, यानी क्लोज प्लेन फिगर के सभी साइड को एक साथ ऐड कर देंगे तो ये उसका पैरामीटर हो जाएगा। चलिए, अब हम पैरामीटर पॉलीगॉन का पैरामीटर को समझेंगे, पॉलीगॉन के बारे में समझेंगे और उसके पैरामीटर को बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम पॉलीगॉन के पैरामीटर को एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ट्रेंगल के पैरामीटर के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। ट्रेंगल ये क्या है? ट्रेंगल है, आप इसको नोट करते जाएंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड। ये पैरामीटर होगा ट्रेंगल का। ट्रेंगल का पैरामीटर का मतलब हुआ सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड। इस ट्रेंगल का तीन साइड है। अब साइड कौन कौन सा है ये समझना है। ट्रेंगल के तीनों साइड को हम सम कर देंगे तो ट्रेंगल का पैरामीटर निकल जाएगा। मानकर चलिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड कर देंगे एक साथ तो इसका पैरामीटर निकल जाएगा। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट है वो है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल का फिगर ये होता है।
और इसका पैरामीटर निकालना है। तो इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे? इसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए भी हम सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हैं, बट इसका यहां से देखेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। इसका साइड क्या है जी? साइड ए बी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी सी, यही ना इसका फोर साइड है। यहां पर हम ये कहेंगे ए बी इज इक्वल टू होता है बी सी और ए डी इज इक्वल टू होता है बी सी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, और जब अपोजिट साइड इक्वल होगा तो एक साइड एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ए बी के जगह पर हम डी सी रख सकते हैं, डी सी प्लस डी सी प्लस ए डी प्लस ए डी। ये क्यों? क्योंकि ए बी का वैल्यू डी सी के बराबर है, तो हम डी सी रख दिया। यहां पर टू डी सी प्लस टू ए डी हुआ, एक टू को कॉमन लिया हमने, डी सी प्लस ए डी हमको मिला क्या? डी सी प्लस ए डी। तो डी सी को क्या बोलते हैं? डी सी हमारा क्या है? लेंथ है। क्या है? टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। डी सी लेंथ और ए डी इसका ब्रेथ है। तो हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या मिला? टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पर इस फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं, हमने एक्सप्लेन करके बताया। हालांकि एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल आपको जानना है कि यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आपको पता है, इसका सभी ऑल साइड बराबर होता है, सभी साइड बराबर होता है। ये अगर ए बी सी डी है तो इसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी सभी साइड बराबर है तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा। यहां से अगर हम इसका फोर इंटू साइड करते, इसका हम सम ऑफ ऑल साइड करते हैं, क्या होगा? ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए, और सब एक दूसरे के बराबर है तो यहां क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी प्लस ए डी, यानी फोर ए डी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि सब बराबर है तो एक का वैल्यू जितना होगा उतना ही दूसरे का वैल्यू होगा। ये हो जाएगा आपका फोर ए डी, और ए डी क्या है? इसका एक साइड है, तो फोर इंटू साइड। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? फोर इंटू साइड। क्या हमारा फॉर्मूला मिला? आपको ये याद रखना है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर इंटू साइड। आपने सीखा क्या? ट्रेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वाड्रिलेटरल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ये हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल है अगर, ये है अगर 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो इस सभी साइड को एक साथ ऐड कर देंगे तो इसका सम यहां से फाइंड हो जाएगा, यानी 6cm प्लस 2cm प्लस 2cm प्लस 3cm इज इक्वल टू 6 to 8 to 10 13 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपको पैरामीटर के बारे में समझना था। हमने ट्रायंगल का पैरामीटर बताया आपको, ट्रेंगल का पैरामीटर यानी ट्रेंगल के सभी साइड को एक साथ सम कर देते हैं तो ट्रेंगल का पैरामीटर फाइंड होता है। वैसे रेक्टेंगल का जो डिफिनेशन है उसके आधार पर हमने आपको टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बताया,
इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ उसका स्पेशल एक फॉर्मूला है, वैसा ही स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड। ये चार फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है, इस चैप्टर के लिए है, इसी पर आधारित पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका। अगर कोई प्रॉब्लम होगा फिर हम आपको एक्सरसाइज जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिना डरे हुए कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।